आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है, दूसरा चैप्टर है ये पॉलीनोमियल बहुपद, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, बहुपद पॉलीनोमियल मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद हो। ठीक है, जैसे आपको कोई ऐसे दिया हो ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स टू पावर एन, ऐसे कुछ टर्म्स दिए हों तो इनको पॉलीनोमियल कहते हैं और इसका नाम देते हैं पी एक्स। पी एक्स क्यों नाम देते हैं भाई, अब हमें नहीं मालूम, किताब में दिया गया है इसलिए हमने पी एक्स लिखा है। वैसे मैं बता देता हूँ क्यों देते हैं। देखो, पी तो इसलिए है कि पॉलीनोमियल है, बहुपद है, अब हिंदी में चूंकि अब नहीं लिखेंगे तो पी लिखा गया है, और ये x पर डिपेंड कर रहा है, इसका जो वैल्यू है वो x के टर्म में है, इसलिए इसका नाम दिया गया है पी एक्स। ठीक है, a1, a2, a ये जो दिए हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये नियतांक हैं, ये फिक्स रहते हैं, और x इसमें चेंज होता है। लेकिन एक खास बात है कि x की जो डिग्री है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 चलेगा, 1 बाई 2 नहीं चलेगा, माइनस में नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो डिग्री है ना 1, 2, 3, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, रूट नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर हाँ एक में चलेगा रूट, लेकिन अगर माने यहाँ एक्स के ऊपर रूट लग गया, पावर 1/3 लग गई, पावर माइनस में हो गई या 1/x आ गया, तो वो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि बहुपद की घात क्या होती है, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिएगा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। सबसे पहले बारे में बात हो रही है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बहुपद की घात, की घात। देखिए, अभी हमने कहा x की जो पावर चढ़ी हुई, x की जो मैक्सिमम पावर होती है अधिकतम, मतलब आपको मैंने तीन स्टेप लिखे और x की मैक्सिमम पावर 5 है, तो 5 डिग्री उसकी होगी, उसकी घात कितनी हो गई 5। ठीक है, इसके हिसाब से तीन नाम दिए गए हैं। एक होता है लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल रैखिक बहुपद, इसका नाम बहुपद है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। लीनियर का मतलब होता है रैखिक और पॉलीनोमियल का मतलब होता है बहुपद, नहीं लिख रहा हूं, ये बहुपद है ऐसा लिखे दे रहा हूं लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मान लिया हम लिख दें ए एक्स प्लस बी, इसमें x तो है नहीं तो पावर तो 0 हो गई, लेकिन मैक्सिमम पावर इसकी क्या है 1, तो ये कैसा है लीनियर पॉलीनोमियल है। इसका नाम आप चाहो तो px दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे सकते हो px, y लिख दो या px लिख दो, ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉली नॉमियल, इसका मतलब बहुपद होता है, इसका मतलब होता है द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नाम से लग रहा है जिसकी पावर अधिकतम, अधिकतम पावर के बारे में बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि उसमें x की पावर 2 हो तो 1 भी होना चाहिए। अगर मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और बी एक्स नहीं कहता हूं तब भी ये 2 डिग्री का है, ऐसा नहीं कि भी 2 डिग्री है तो 1 नहीं है होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर लिखा है तो बेहतर है बी एक्स प्लस सी, तो ये आपका 2 घात का है, मतलब ए एक्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ ए हो ना हो, बी एक्स हो ना हो, सी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम जो एक्स की पावर है वो 2 होनी चाहिए। तीसरा है क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि जिसमें मैक्सिमम पावर x की क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अब उसका नाम हमने क्या कहा, इसको पी एक्स नाम दे दो या इसका नाम y दे दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता नाम देने में। तो अगर y बराबर पी एक्स देते हैं तो इसकी घात हमने क्या बताई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये टर्म होना चाहिए, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकतम पावर 3 होनी चाहिए। तो ये तो आपका हो गया
ये पॉलीनोमियल क्या होते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। अब शून्यक क्या है पहले इसको समझ लीजिएगा, इसके बाद इसको ज्योमेट्री से कैसे आप करेंगे। ज्योमेट्री के पहले एक्सरसाइज आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए ध्यान से, तो ये तो हो गया पॉलीनोमियल क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद हाईएस्ट डिग्री और होती है, बाई क्वाड्रेटिक होते हैं और फिर हाईएस्ट डिग्री हो जाती है। उसमें कोई नाम उसका सबका नाम नहीं है, लेकिन चार डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। चतुर्थ घात बहुपद, पंचम घात, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। देखिए एक आता है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जरा ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल चीज यही है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या होते हैं, किसके, बहुपद के शून्यक। जरा ध्यान से इसका नाम ध्यान से पढ़िएगा, नाम से लग रहा है कि एक्स, भाई मान लिया एक्स के टर्म में कोई दिया हुआ है, जो एक्स की वैल्यू उस पॉलीनोमियल को जीरो कर दे। मतलब मान लिया एक पॉलीनोमियल है 3x+2, मैं एक्स को क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए, मैंने इसी को जीरो कर दिया, तो 3x = -2, x = -2/3। यानी अगर एक्स की वैल्यू -2/3 यहां रख देते हैं तो वो वहां पर जीरो हो जाएगी वैल्यू इस बहुपद की। तो एक्स की वैल्यू -2/3 इस पॉलीनोमियल को जीरो कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस पॉलीनोमियल का जीरो कहते हैं, इसका शून्यक कहते हैं। शून्यक बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अब ज्योमेट्री के मतलब समझिएगा, हमने कहा था इसका नाम क्या दे रहे हो, वाई, यानी एक्स का वो मान जो वाई को जीरो कर दे, एक्स का वो मान जो वाई को जीरो कर दे, वो उस, क्यों बहुपद का नाम आप क्या दे रहे हो, वाई, बहुपद का नाम आप दे रहे हो पी एक्स, वाई दे रहे हो। तो एक्स का वो मान जो वाई को जीरो कर दे, जो बहुपद को जीरो कर दे, जो पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, वो उसका जीरो, वो उसका शून्य होता है। अब जरा ज्योमेट्री में आइए, ज्योमेट्री में आपको ध्यान होगा, आपने एट्थ वगैरह में पढ़ा होगा, नाइन्थ वगैरह में, कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस होता है, जो कि एक्स के टर्म में आप बहुपद लिख रहे हो, इधर माइनस एक्स होता है, एक्स डैश मान लो, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट आप लिखते हो तो एक्स कामा जीरो लिखते हो, यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वहां वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फिर समझिएगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहां वाई का मान क्या होता है, जीरो होती है। यानी वाई जीरो जहां हो जाए वो एक्स की वैल्यू उस बहुपद का शून्य कहलाती है, जीरो कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, बताया ये गया है, बताइए कि यहां पर कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक का मतलब कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज का मतलब होता है कि वो जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स को कहां कहां कट कर रहा है, क्योंकि जहां जहां एक्स को कट कर रहा है उतने पॉइंट पर वाई जीरो है, और जितने पॉइंट पर वाई जीरो है उतने उसके जीरोज हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अब कुछ ग्राफ है, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, बाई चांस एक ही क्वेश्चन यहां पर है, थोड़ा समझाने की, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी क्वेश्चन का टोटा होता है, अच्छी बुक आरडी शर्मा होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन पहले एनसीईआरटी लगाइए, जब हो जाए तब आरडी शर्मा के बारे में बात करते हैं। इसमें एक पॉलीनोमियल है, एक्सरसाइज है 2.1, पहला क्वेश्चन कहते हैं एक पॉलीनोमियल है, एक बहुपद है वाई बराबर पी एक्स, अभी हम बता रहे थे पी एक्स लिखते हैं, इसमें ग्राफ दिया गया है और इसमें आपको जीरोस की संख्या निकालनी है। फिर बताइएगा एक्स को जहां पर ग्राफ कट करेगा वहां वाई जीरो होगा, जितनी जगह कट करेगा उतनी बार वाई जीरो आएगा, उतने शून्य होंगे उतने जीरो होंगे। पहला ग्राफ समझिएगा, पहला ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश मानो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये जीरोज है, ये ग्राफ दिया गया है। तो इसको रेड कलर से खींचते हैं, देखते हैं कैमरे में रेड कलर कैद हो रहा नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम यही ग्राफ दोबारा बनाएंगे, थोड़ा ट्राई मार रहे हैं क्योंकि रेड कलर कैमरा जो है कैच नहीं कर रहा है, मैं फिलहाल बना रहा हूं। ये आपने ग्राफ बनाया, मैं एक बार देख लेता हूं, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा कलर दिख रहा है, थोड़ा बहुत कलर दिख रहा है, आते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाई एक्सिस है, क्या इसने कहीं पर एक्स को टच किया, नहीं किया, क्योंकि जहां पर एक्स टच करेगा वहीं वाई जीरो होगा ना।
अब ये एक्स को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कितने जीरोज हैं? नो जीरोज, नो जीरोज, कोई भी जीरोज इसमें नहीं है। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, कुछ लाल लाल आ रहा है, चलते हैं देखते हैं। वेरी गुड। इसके बाद दूसरा ग्राफ देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड ग्राफ क्या कह रहा है। सेकेंड ग्राफ बना हुआ है ऐसे, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और ग्राफ बना है ऐसा, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अब बताइए ये ग्राफ एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है? वन, नो जीरो मतलब शून्यक नहीं, शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक इसका नहीं है। इसमें कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह, एक ही जगह कट कर रहा है ना यहां पर। अब आप कहेंगे इधर इधर ग्राफ ने ऐसा मुंह बनाया है, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, किताब में इसका मुंह थोड़ा सा नीचे बनाया गया है, मतलब जब खींचेंगे तो नीचे आएगा। तो कितने शून्यक हैं? वन जीरोज, वन जीरोज, एक शून्यक, एक शून्यक है इसमें, यानी एक एक्स की वैल्यू है जहां पर वाई जीरो है। ठीक है, तीसरा ग्राफ समझ लीजिए। बहुत सारे ग्राफ बने हैं, उनमें जीरो समझ लीजिएगा। तीसरा ग्राफ समझिएगा, तीसरे ग्राफ में इन्होंने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश माइनस एक्स मानो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, टिक 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 ऐसे बनाया गया है, ऐसे ऐसे बनाया गया है। अब बताओ ये एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है? एक दो तीन, तो कितने जीरोज हो गए? थ्री जीरोज, तो लिख दो थ्री जीरोज, थ्री जीरोज, तीन शून्य, तीन शून्य यहां पर है, यानी एक्स की तीन वैल्यूज हैं जहां पर वाई जीरो है। ठीक है, अगला ग्राफ देखिए क्या कह रहा है। अगले ग्राफ में फोर्थ पार्ट में बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप कहेंगे कि मैं आंसर देख लूं, उसमें लिखा शून्य, ऐसा नहीं चलेगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ग्राफ है। अब बताओ कितने जीरोज हैं? दो, दो जगह कट कर रहा है ना, तो टू जीरोज यहां पर है, टू जीरोज हैं, दो शून्यक हैं। समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगला ग्राफ देखिएगा, अगला फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कुछ ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, एक्स डैश मान लो, ये वाई है, ये वाई डैश है। ग्राफ में ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, इतनी बना हुआ है। एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक दो तीन चार, कितने जीरोज हैं? फोर जीरोज हैं इसमें, यानी शून्य कितने हैं? शून्य यहां पर है चार, यानी एक्स की चार वैल्यूज हैं जहां पर ये जीरो है, वाई का मान जीरो है। अगला देखिए क्या बता रहे, सिक्स पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। ये एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, ऐसे और ऐसे गया है। कहां का इसको कट कर रहा है? एक दो तीन, तो कितने जीरोज हैं? थ्री जीरोज, तीन शून्य, कितने शून्य हैं? तीन। तो मेरे हिसाब से ये ग्राफ समझ आ गया होगा कि शून्य कैसे होंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है, अब है, अब चार एक क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूं उसमें, कहां से बना दूं, तो इतने ही काम चलेगा, इसको कर डालिएगा। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।